ये मैं अब सड़क से सीधा एंटर कर चुका हूँ। मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ दिल्ली के लोटस टेम्पल से यानी कमल फूल के अंदर। देखिए जिस रास्ते से मैं अभी बाहर से आया हूँ सड़क की तरफ से, और ये रास्ता देखेंगे आगे आप, ये जो रास्ता है ये सीधा टेम्पल्स की तरफ देख सकते हैं, जहाँ से लोग कुछ आ भी रहे हैं कुछ जा भी रहे हैं। ठीक इसके सामने देखेंगे आप, ठीक लोटस टेम्पल के सामने मैं आपको दिखाता हूँ जो कुछ घूमने के लिए बना हुआ है। देखिए इस रास्ते से जहाँ से हम आए हैं और ठीक लोटस टेम्पल ठीक सामने यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है। जी हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत एरिया है जहाँ पर कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए कॉस्ट लगता है, यानी कि पैसे लगेंगे थोड़े आपके जो भी कॉस्ट है यहाँ का। और साइड में अब बैठ सकते हैं, ठीक है। इसी साइड से जो है अब हम चलते हैं जहाँ पर हम रास्ते से आए हैं, और ठीक इसी के सामने वापस फिरते हुए हम चलते हैं अब सीधे लोटस टेम्पल की तरफ के आगे इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ का वातावरण देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम आगे चल तरफ चलते हैं लोटस टेम्पल की तरफ, जहाँ पर देखने में काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे एकदम स्वच्छ वातावरण यानी कि अच्छा लग रहा है काफ़ी। आने के बाद आज आपको लाइव दिखला रहा हूँ मैं इस चीज़ को। हाँ दोस्तों, और आपको बता दूँ ये लोटस टेम्पल जो है ये 1986 में बना था, और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है दूर से, और पास जाके देखते हैं आगे क्या भी होता है। और यहाँ के आसपास की हरियाली देख सकते हैं जो काफ़ी घूमने के लायक है, और फैमिली के साथ जो काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद में। और एक बात और बता दूँ, यहाँ पर जो कॉस्ट है इसकी वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसका देखने का कोई चार्ज नहीं है। जी हाँ, एकदम एकदम फ्री, कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा आगे आ चुके हैं लोटस टेम्पल के पास में, और आगे आने के बाद देख सकते हैं हम साइड में, थोड़ा धूप की वजह से हम नहीं देख पा रहे साइड से, दूसरा तरफ साफ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लाइव देख रहे हैं। यहाँ पर साइड में देखिए लेफ्ट में लाइन जा रही है बाहर देखने के लिए, और अंदर में सीधे की ओर अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए। हाँ, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। चलिए पहले हम आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर पूजा घर में क्या होता है। यहाँ पर मोबाइल के लिए बंद कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखला रहा हूँ। हाँ जी, अब साइड में खड़े हैं, और साइड से देखिए कितना प्यारा नज़ारा है, चारों तरफ पानी पानी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर देख कर। ठीक है, अब अंदर की ओर चलते हैं हम, जहाँ पर लाइन लगी हुई है पूजा के लिए, और यहाँ पर हर घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए पूजा होती है, जो काफ़ी शांति का प्रतीक करती है। यहाँ पर कोई भी धर्म की मूर्ति या कुछ नहीं है, बाह्य धर्म से हम इसमें संबंधित बात कर सकते हैं। देखिए मैं आपको कैमरा अंदर पहुँच कर अब दिखला रहा हूँ, ये एकदम शांति का माहौल है जो सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर मैं कैमरा ज़्यादा देर नहीं रोक सकता हूँ, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, बहुत शांति मिल रही है। और चलिए फिर अब हम यहाँ से निकल के बाहर की ओर चलेंगे थोड़ा सा। अब हम देखिए बाहर की ओर आ चुके हैं, बाहर देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही शांति, चारों तरफ हरियाली, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए साइड से हम फिर वहीं चलेंगे जिस साइड से हम आए थे। अब हम देखिए वहीं आ चुके हैं लेफ़्ट में, अभी मैंने आपको सामने अंदर जाके दिखाया था, अब लेफ़्ट की ओर चलते हैं हम। लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, मैं आपको चारों तरफ दिखाऊंगा, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ इलाका है, लेकिन चारों तरफ पानी है, बहुत हरियाली हरियाली, काफ़ी अच्छा। घूमकर मतलब आने के लिए मन नहीं कर रहा है, तो आप छुट्टियों में बिल्कुल यहाँ पर जाएं, इस जगह का बिल्कुल आनंद लें। ये दिल्ली के नेहरू जो प्लेस बिल्कुल उसके समीप दिल्ली के अंदर बिल्कुल बीच में है, आप बिल्कुल वहाँ पर पहुँचें। देखिए साइड से चल रहे हैं हम चारों तरफ, अब हम ऊपर की ओर थोड़ा पहुँच जाएँगे, देखते रहिए। मैं आपको बिल्कुल लेफ्ट जाकर राइट की तरफ को निकल कर आऊँगा, और जैसे कि मैं आपको बता दूं इसके चारों ओर देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है, यानी चारों तरफ इसका पानी है, कमल के फूल की तरह बिल्कुल ही इसका बनाया गया है बिल्कुल सामने गेट। ये वो गेट है जहाँ से अभी भी हम पूजा कर कर आए हैं, उस साइड की ओर से देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है इधर। अब मैं चलता हूँ आपको लेके लेफ्ट तरफ की ओर, और आपको बता दूँ जो पंखड़ियाँ बनी हुई हैं, जी हाँ कुछ बातें आपको बता देता हूँ, 27 पंखड़ियों से बना हुआ है ये, देखिए आप, और देखने में आपको ये 9 दिखाई देती हैं। जी हाँ, जो बहुत ही खूबसूरत है, और क्या तारीफ़ करूँ इसकी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। उसका अवार्ड भी काफ़ी मिले हुए हैं, सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी मंदिर को मिले हुए हैं जहाँ बाह्य धर्म से है। देखिए हम चलते हैं आगे की ओर, मैं लेफ्ट तरफ चल रहा हूँ, चारों तरफ देख सकते हैं हरियाली हरियाली है, साइड में को आपको लगे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी, जहाँ पर बहुत शांति सी प्रतीत हो रही है, मिल रही है, प्रतीत नहीं हो रही, मिल रही है, जो काफ़ी अच्छी घूमने की जगह है। और ये 1886 में बना, और आज लोगों के लिए बहुत ही ऐसी जगह बन चुका है जहाँ काफ़ी लोग बाहर से विदेश से भी आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेरे वीडियो में देख भी रहे होंगे बहुत से लोग
अब देखिए मैं घूमकर साइड की तरफ जा रहा हूँ तो चारों तरफ पानी पानी है, यानी कमल की फूल की तरह बिल्कुल, जब कमल की फूल की आकृति से बनाया हुआ है तो उसी में ही होगा। देखिए कितना शांति है इस साइड में, लोग बाग आ रहे हैं, चल रहे हैं, देख रहे हैं। जैसे मैं भी आपको अंदर ले गया था आप साइड में, तो देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। देखिए अब मैं लेफ्ट से अगर राइट की तरफ को आ चुका हूँ, यहाँ पर कुछ लोग फ़ोटो भी ले रहे हैं, देखिए साइड से फिर। बिल्कुल शांति के साथ। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते जाते हैं हम। अब हम बाहर की ओर क्यों आ जा रहे हैं, जहाँ से हम लेफ्ट की तरफ को आए थे, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ को पहुँच कर हम साइड आगे निकल जा रहे हैं। देखिए अब हम आगे तरफ आ गए हैं। यहाँ की चारों तरफ 20 एकड़ में बना हुआ है, जहाँ पर हरियाली भी है, सब चीज़ है, वाकई में बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर ज़रूर आइए और अब तो गर्मी की छुट्टी का इसका आनंद भी लीजिए, क्योंकि ये सुबह गर्मी में 7 बजे से शाम 6:30 के समथिंग खुलता है और ठंड में तो जल्दी बंद हो जाता है। तो देखिए हम आए थे वहाँ से, फिर लेफ्ट दिखा रहा हूँ, वापस जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे गेट की तरफ, वापस हम उसी रोड पर जा रहे हैं। और देखिए यहाँ जाने के बाद फिर वही सामने वाला हिस्सा आ गया जहाँ से थे हम, और इस साइड से देखिए फिर उसी गेट की ओर जहाँ से हम आए थे, अंदर की ओर सड़क की ओर। अब फिर जाएंगे यहाँ से हम बाहर की ओर, और ये वही हिस्सा जहाँ से अभी हम अब फिर घूम कर आए हैं। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बाहर की ओर चलते हैं और फिर कुछ रोचक बातें आपको बताता हूँ इसके।